शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में कोरोना के प्रकोप के कारण हर जगह तालाबंदी शुरू हो गई है। कोरोना ने महाराष्ट्र राज्य में कहर बरपाया और राज्य सरकार स्कूल कॉलेज शुरू करने के लिए उत्सुक नहीं है। हालांकि संस्था चालक स्कूल शुरू करने के इच्छुक है और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि छात्रों और अभिभावकों से फीस वसूलना। हिंगणघाट शहर में भी यही हाल देखा जा रहा है और अब शहर में निजी ट्यूशन संचालकों ने भी यही रवैया अपनाया है। शहर में ट्यूशन क्लासेस के छात्रों और अभिभावकों के अनुसार ट्यूशन क्लास के संचालकों ने छात्रों और अभिभावकों पर दबाव डाला और कक्षाएं शुरू करने की दुआई देकर उन्हें शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा। योजनाबद्ध तरीके से सभी ट्यूशन क्लासेस के संचालकों ने फीस के तहत हजारों रुपए वसूले हैं। अपने बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए अभिभावकों ने शुल्क जमा किया, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने कक्षाएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी, इसीलिए ट्यूशन क्लासेस संचालकों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए एक नया आमिष दिखाया। इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के कारण छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यह पाठ्यक्रम उनके सर के ऊपर से गुजर रहा है। इन छात्रों द्वारा अपने माता पिता को ऑनलाइन क्लास में आने वाली कठिनाइयों के बाद अभिभावक सचेत हुए। अभिभावकों ने ट्यूशन कक्षाओं के निदेश को दिए गए शुल्क की वापसी की मांग की, लेकिन क्लासेस संचालकों ने जल्द ही ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का झांसा देकर पैसे लौटाने से इनकार किया है। यशवंत नगर, कोचरवाड, देश सेवा रोड सहित शहर में कई स्थानों के क्लासेस संचालकों द्वारा समान शुल्क संग्रह किया गया। परिणाम स्वरूप माता पिता और छात्र प्रभावित हुए हैं और उनके साथ धोखा होने से वह निराश दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करते समय कई स्कूली बच्चों ने अपने माता पिता से एक नए एंड्रॉइड मोबाइल की मांग की है, जिसके लिए प्रत्येक छात्र को 8,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का खर्च आया। अभिभावक निराश है क्योंकि क्लासेस संचालकों ने फीस के रूप में हजारों रुपए लूट लिए। अब हालांकि माता पिता ने मांग की है कि शिक्षा विभाग इस संबंध में जांच करे और कार्रवाई करे। इन बीच न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।